कंपेयर द मैगनी ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट हमने इलेक्ट्रिकल और ग्रेविटेशनल फोर्स की मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना है कंपेयर करने का मतलब है ये देखना है कौन सी फोर्स ज़्यादा है इलेक्ट्रिकल फोर्स ज़्यादा है या ग्रेविटेशनल फोर्सेज एग्जर्ट बाय एग्जर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट ये फोर्सेज एक ऐसे ऑब्जेक्ट पे लग रही हैं जिसका मैस है दस ग्राम और चार्ज है ट्वेंटी कूलम्स। बाई एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स उसी तरह के ऑब्जेक्ट की वजह से लग रही है आइडेंटिकल मीन्स सेम दैट इज प्लेस्ड टेन सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो पहले से दस सेंटीमीटर के फासले पे है और दोनों आइडेंटिकल मीन्स सेम ऑब्जेक्ट है उनका चार्ज भी सेम है उनका मैस भी सेम है तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं जो स्टेटमेंट के मुताबिक डाटा गिवन है वो ये है क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हैं इसलिए उनका मैस और चार्ज सेम होगा तो हम एक बॉडी के मैस को एम वन और दूसरे के मैस को एम टू कहेंगे एक के चार्ज को क्यू वन और दूसरे को क्यू टू का नाम देंगे तो हम लिखेंगे एम वन इज़ इक्वल टू टेन ग्राम्स हम इस ग्राम से किलोग्राम में आते हैं तो टेन 10 को वन थाउजेंड पर डिवाइड करेंगे तो मैस किलोग्राम में आ जाएगा जीरो पॉइंट जीरो वन किलोग्राम्स इसी तरह दूसरी बॉडी के मैस को एम टू कहेंगे तो उसका मैस भी सेम है तो वो आ जाएगा एम टू इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो वन किलोग्राम्स अब चार्ज की बात करते हैं पहले बॉडी पे चार्ज होगा क्यू वन उसे क्यू वन का नाम दिया ट्वेंटी माइक्रो कूलम्स ये आएगा ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाई टेन की पावर माइनस सिक्स इसी तरह से दूसरी बॉडी का चार्ज क्यू टू होगा ट्वेंटी कूलम्स माइक्रो का मतलब है दस की ताकत माइनस सिक्स तो ये बनेगा ट्वेंटी इंटू टेन टू माइनस सिक्स फर्दर दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिस्टेंस है टेन सेंटीमीटर सेंटीमीटर्स में से मीटर में आने के लिए हम हंड्रेड पे डिवाइड करेंगे तो मीटर्स में फ़ासला आ जाएगा आर इज इक्वल टू जीरो पॉइंट वन मीटर्स ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करने के लिए हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू मालूम होनी चाहिए और वो है जी इज़ इक्वल टू सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन मल्टीप्लाइड बाय टेन रेज टू पावर माइनस इलेवन न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वेयर इसी तरह से इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट की वैल्यू है के इज़ इक्वल टू सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन मल्टीप्लाइड बाई टेन डेज टू पावर माइनस इलेवन न्यूटन मीटर पर कोलम यहाँ टेन रेज टू पावर माइनस ट्वेल्व आएगा यहाँ k की वैल्यू में गलती है नाइन मल्टीप्लाइड बाई टेन रेज टू पावर नाइन आएगा इसे दुरुस्त कर लें हमने ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक फोर्स का कंपैरिजन करना है तो उसकी रेशो मालूम करेंगे एफ ई ओवर एफ जी तो सॉल्व करते हैं हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ़ोर्स कोलम ला से मालूम की जाती है उसका फार्मूला है के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्केर और ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है एफ जी इज़ इक्वल टू जी एम वन एम टू ओवर आर स्केयर यहाँ आर दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फ़ासला है इलेक्ट्रिक फोर्स के फार्मूला में वैल्यूज अब पुट करते हैं के की वैल्यू रखी नाइन मल्टीप्लाइड बाई टेन डेज टू पावर नाइन क्यू वन की वैल्यू पुट की क्यू टू की और आर जीरो पॉइंट वन पुट किया उसका स्क्वेयर है सो आफ्टर कैलकुलेशंस हमें जो आंसर मिलेगा वो है एफ ई इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी न्यूटन इसे हम इक्वेशन वन का नाम देते हैं अब ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लिखा उसमें वैल्यूज पुट करते हैं जी की वैल्यू पुट की सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन मल्टीप्लाइड बाई टू पावर माइनस इलेवन जीरो भी सेम है और फासला जीरो पॉइंट वन कैलकुलेशन मल्टीप्लाइड और मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद हमें आंसर हासिल होगा एफ जी इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन मल्टीप्लाइड बाई टेन डेज टू पावर माइनस थर्टीन न्यूटन्स अब इक्वेशन वन में हमने एफ ई और इक्वेशन टू में एफ जी मालूम किया है दोनों फोर्सेस को डिवाइड करते हैं सो डिवाइडिंग इक्वेशन वन एंड टू वी गेट एफ ओवर एफ जी इज इक्वल टू ऊपर एफ ई की वैल्यू पुट की थ्री सिक्सटी और बटे में एफ जी की वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाई टेज टू पावर माइनस थर्टीन इन रकमों को डिवाइड करने से आंसर आएगा फिफ्टी थ्री पॉइंट नाइन मल्टीप्लाईड बाई टेज टू पावर थर्टीन राउंड ऑफ किया और साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो फाइनल आंसर होगा फाइव पॉइंट फोर मल्टीप्लाइड बाई टेन डेज टू पावर थर्टीन तो ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर